पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा ने आज अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह को सौंप दी है। गुरुवार को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व संघ के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात के बाद दोपहर बाद भूपेंद्र चौधरी के नाम की घोषणा कर दी। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को आज गुरुवार को प्रदेश के अध्यक्ष बनने की घोषणा की गई। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नेता में एक बड़ा चेहरा है। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने के बाद उनके निवास पर बधाई देने वालों का जमावड़ा लग गया। सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भूपेंद्र चौधरी के घर में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह को पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी थी। उन्हीं के नेतृत्व में 2017 में बहुत अधिक संख्या में भाजपा के विधायक चुनकर आए और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने जो डिसाइड किया, माने जेपी नड्डा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे योगी जी ने, माने मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सबके आशीर्वाद से पापा की मेहनत सफल हुई, उन्हें इतने बड़े पद की जिम्मेदारी मिली। आप खुद उनके बेटे हैं, इतना बड़ा पद मिल जाना, और हम मुरादाबाद से आते हैं, क्या अनुभव है, किस तरह का महसूस करते हैं? अभी तो मुझे खुद 15 मिनट पहले जो है सूचना मिली है, लेटर जारी हुआ है, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं घर के बारे में। किस तरह का सेलिब्रेशन करेंगे परिवार के साथ? अब ये तो थोड़ा सा जो है सब लोग जब इकट्ठे होंगे, धीरे धीरे सब लोग आएंगे तो अपने जो है मिठाई वगैरह बटेंगी अपने सब लोग गाँव में, चाचा पटाखे वटाखे फोड़ेंगे, सब चीज़ों का है। भैया उनकी मेहनत है और शीर्ष नेतृत्व का विश्वास है, उन लोगों ने इतना भरोसा जताया है, तो कोशिश करेंगे कि जो भरोसा जताया है शीर्ष नेतृत्व ने उसे जो है पूरा कर पाएं। बहुत उन्होंने मेहनत की है, हर जो काम सौंपा गया है सब में सफल रहे हैं, और उसी का नतीजा है जो पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा पद दिया है और उस पर भी वो खरे उतरे हैं। हर सफल पुरुष के पीछे की स्त्री होती है, तो आपका भी जरूर हाथ होगा, और पार्टी का भी नारा है बेटी बचाओ, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही चाहूंगी भैया तरक्की कर रहे हैं, मुझे बहुत खुश हो रही है, वैसे ही मैं घर संभालू, वो अपना अब तो पूरा प्रदेश उन्हें संभालना है, मुझे भी बहुत खुशी होगी, अच्छे से वो जैसे मैं अच्छा दायित्व अपना निभा रही हूँ वो भी अपना दायित्व अच्छे से निभाए और 2024 में अपना 100% दें और बहुत भारी बहुमत से बीजेपी को। अच्छा, तो जैसे उनके नाम की घोषणा हुई, तांता लग गया है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है, लोग मिष्ठान वितरण कर रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी, मेहनत कभी
जाया नहीं जाती, एक ना एक दिन मेहनत रंग लाती है, वही भूपेंद्र सिंह का है कि मेहनत करते 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 बहुत लंबा टाइम हो गया, जब पार्टी ने भगवान ने दिया है तो बहुत दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पार्टी के बड़े लोगों का और अपने परिवार के बड़े लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, अपना आशीर्वाद भूपेंद्र जी का और मेरे परिवार पे ऐसे ही बनाए। मुरादाबाद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद के निवासी हैं और हम सबके बीच के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उत्साह है, उमंग है और हमारे सामने चुनौती है कि आने वाले 2024 में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की 80 कमल के फूल खिलाएं, इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए सफलता को प्राप्त करें। अब मुरादाबाद प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा, सबसे बड़ी बात यह है और इतने बड़े प्रदेश जहां पर भूपेंद्र चौधरी का नाम रहा, क्या लगता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी अहम भूमिका निभाई थी? अरे हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह और उमंग से लग के और पूरी निष्ठा के साथ पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भूपेंद्र जी की छवि एक कार्यकर्ता के और सरल स्वभाव के मंत्री के रूप में रही है, उसका लाभ सभी कार्यकर्ता लेंगे और सभी कार्यकर्ता विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।